चीन के बाद कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर इटली में देखने को मिल रहा है। इटली में अब तक 4000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 35000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद इटली में कोरोना वायरस इस कदर कैसे फैल गया। दरअसल दिसंबर और जनवरी में चीन में कोरोना का लगातार मामले और मौत की खबर सामने आने के बाद कई देशों ने अपने यहाँ चीनी यात्रियों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और चीन के लिए अपने बॉर्डर बंद कर दिए, जिसके बाद इटली के फ्लोरेंस शहर के मेयर अपने आप की कोशिश महान दिखाने के लिए एक बेहद मूर्खतापूर्ण मुहिम का हिस्सा बन गए। दरअसल फ्लोरेंस में एक चीनी शख्स चेहरे पर मास्क लगाकर खड़ा हो गया। उसके पास में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, आई एम नॉट अ वायरस, आई एम अ ह्यूमन, इरेडिकेट द प्रेजुडिस। इसका मतलब था, मैं एक वायरस नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, पक्षपात को मिटा दो। जिसके बाद उस शख्स का साथ देने के लिए उसे गले लगाया। जिसके बाद शहर के मेयर दारियो नरेदला ने भी लोगों से अपील की कि वो चीनी लोगों को गले लगाकर इस खतरनाक संक्रमण के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद एक चीनी शख्स को गले लगाने का वीडियो शेयर किया, जिसके बाद हजारों लोगों ने चीनी शख्स को गले लगाया और कई ने तो उसके चेहरे से मास्क को भी हटा दिया। अब मीडिया में चल रही रिपोर्ट से आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस एक दूसरे से टच में आने से फैलता है। ऐसे में राजनीतिक रूप से सही बनाने की कोशिश में इटली के इस मेयर ने अपने ही देश के लोगों की जान को खतरे में डाल दी और आज उसका खामियाजा पूरा इटली भुगत रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्राची उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और